make spirituality your basis, because you will have issues. Life is very complex. कभी जीतोगे और कभी हारोगे, लेकिन खुश कैसे रहोगे? क्योंकि हम लोग तो काम सीख रहे हैं खुश रहने के लिए, कमा रहे हैं खुश रहने के लिए, कमा रहे हैं तंदुरुस्त रहने के लिए. एंड तंदुरुस्ती इज मानसिक एंड फिजिकल, बट स्पिरिचुअल तंदुरुस्ती विल कीप इट मेंटल एंड फिजिकल. सो हाउ डू यू हैव स्पिरिचुअलिटी? हाउ? ग्रेटिट्यूड. उसका तरीका है ग्रेटिट्यूड. जो भी हो, जहां पर भी हो, धन्यवाद. और हजारों उसके बाद देखो कितने लॉ कॉलेज में आ सकते हैं आज. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हू वांट टू बी कैन दे एंटर अ लॉ कॉलेज और कैन दे अफोर्ड अ लॉ कॉलेज? दे कांट, दे कांट. बट यू आर प्रिविलेज्ड, यू गॉट ऑल योर हेल्थ इंटैक्ट. सो अगर आपने खुश रहना, देखिए सारा कमाई कर रहे हो खुश रहने के लिए, कमा रहे हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो खुश रहने के लिए, लेकिन अगर दुखी रहोगे तो क्या फायदा इसका? दुखी नहीं रहना, जहां हो खुश रहो. सो पहले आपकी क्लास में, आपके पहले क्लास में जब भी आओ, थैंक यू टीचर, थैंक यू इंस्टीट्यूशन, थैंक यू टीचर बोलो. से थैंक यू टू योर टीचर. थैंक यू टीचर्स, थैंक यू इंस्टीट्यूशन, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू. मोमेंट यू ब्रिंग ग्रेटिट्यूड, यू विल सी द जॉय कमिंग टू यू, जॉय, हैप्पीनेस, बिकॉज योर होल ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस इज बीइंग हैप्पी, नॉट सैड. दुखी नहीं रहना, नहीं तो भाई ये कुछ और करो. अगर इस काम से दुखी हो तो अभी चेंज करो, और अगर सुखी हो तो सुखी रहो जो भी है उसमें. मगर ये जज का ये नहीं मतलब है धन्यवाद करके सो जाओ. धन्यवाद, भगवान से प्रार्थना करो मुझे ज्यादा एनर्जी दो ताकि मैं ज्यादा लायक बन सकूं, समाज की सेवा कर सकूं, अपने अपने पेरेंट्स को नाम कमा के दे सकता हूं, इंस्टीट्यूट मैं कामयाब हो सकता हूं. आई बी अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग. एंड यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट बीइंग ग्रेटफुल, एंड यू कैन नॉट बी हैप्पी विदाउट बीइंग ग्रेटफुल. सो किसी के भले भला सोचो, भला करो, अच्छे इंसान बनो. जब आप अच्छे इंसान बनोगे तो अच्छे वकील भी बन जाओगे, लेकिन अगर घटिया इंसान बनोगे तो घटिया वकील बनोगे, घटिया वकील बनोगे. जब अच्छे डॉक्टर बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे तो अच्छे डॉक्टर बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे तो अच्छे पुलिस ऑफिसर बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे तो अच्छे लीडर बनोगे. लेकिन इंसान गलत, लीडर गलत, इंसान गलत, वकील गलत, इंसान गलत, गंदा डॉक्टर, इंसान गलत, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट पुलिस ऑफिसर. लेकिन जो अच्छा इंसान है उसको कहना नहीं पड़ेगा कि दूसरे का भला कर. सो अच्छे इंसान बनते जाओ और गुण लेते जाओ दूसरों से, अच्छे गुण. अगर गुण लेना है तो अच्छे गुण लो, दूसरे को रिजेक्ट कर दो, समझ लो ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं. तो अच्छा इंसान बनने के लिए अपने में कंटेम्पलेशन करो, सेल्फ ऑडिट करो. और जरूरी नहीं होता आंखें बंद करके ही ऑडिट होता है, आंखें खुली होकर भी ऑडिट होता है. अपने कानों से अपने आप को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं किसी की चुगली तो नहीं कर रहा, मैं किसी का गलत तो नहीं सोच रहा, मैं किसी का दुख तो नहीं विश कर रहा. लुक फॉर द बेस्ट इन द इसी इन सोसाइटी, इन द मीडिया. इन मीडिया यू हैव गुड फिल्म्स एंड यू हैव बैड फिल्म्स. डोंट वेस्ट अ मोमेंट ऑन अ बैड फिल्म, गिव ऑल द टाइम टू अ गुड फिल्म which will inspire you. Don't waste a moment on a dirty magazine. Go all the time for a good reading. Make better choices. So, jab aap choices achhi banane lag jaoge, that is spirituality. Spirituality ye nahi matlab hai, jai mata durga, jai maa. Ye maa durga, ye humari personal deities hai. Ye humare apne sanskar hai, cultures hai. Lekin achha insaan bano, jisko kaha jata hai na, what do you do after you pray? प्रार्थना तो सारे करते हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद क्या करते हैं पहले ये बताओ. कई प्रार्थना के बाद डकैती मारने जाते, रिमेंबर? वो प्रार्थना करते थे, मंदिर जाते थे, उसके बाद डकैती मारने जाते. नो, रियल प्रेयर इज व्हाट यू डू आफ्टर यू प्रे, फिनिश योर प्रेयर. सो बी लाइक दैट.
अगर आपने अच्छे इंसान बनना है, अच्छे वकील बनना है और खुश रहना है, मैं तो ये कह रही हूँ खुश, आप तो ये सारी पढ़ाई कर ली कर रहे हो खुश रहने के लिए, कमाने के लिए, सेवा करने के लिए, नाम कमाने, अपने समाज में एक औहदा बनाने के लिए, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर एंड कीप बिल्डिंग ऑन इट एंड कीप लर्निंग, सीखते जाओ, पढ़ते जाओ। मेरे मैं कभी लॉ नहीं करती अगर मैं ज्ञान की भूख ही नहीं होती, एंड जब से मैंने लॉ किया मुझे बड़ा खुशी हुई कि मैं अब लॉ को, अपने कानून को ज्यादा जानती हूँ। आई कुड इमीडिएटली गेट द बेयर एक्ट, कहना ये सर दिस इज द लॉ, दिस इज द रूल, दैट्स व्हाई आई कुड स्कोर, बिकॉज आई न्यू माई लॉ, आई न्यू माई रूल, आई कुड लुक एट इट इज इंटरप्रिटेशन, टीम वर्क से करा, रिसर्च से करा, रिसर्चिंग करा, बड़ा कुछ किया। सो दिस इज हाउ इट मेक्स यू हैप्पी। सो आई वुड से अंशु ये कहूंगी, सब कुछ कर रहे हो खुश रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, वो ही करो जो तुम्हें तंदुरुस्त रखे और तुम्हें खुश रखे और तुम्हारे प्रोफेशन में तुम्हें कामयाबी मिले।